इस समय मौजूद हैं कैप्टन इंद्रवीर सोलंकी जी, जो कि हमें बताएंगे कि अब ये शिप किस तरफ रवाना होगा और उसके बाद का शेड्यूल क्या है। सर, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे साथ और बहुत बहुत बधाई। जो पहला फेज था वाराणसी में इस शिप के दौर का, वो अब पूरा होने की कगार पर है। तो सर, किस तरफ जाएगा ये शिप, क्या होगा आगे का शेड्यूल? ये अभी इधर से कलकत्ता की तरफ रवाना होगा। कलकत्ता यहाँ से हमारे पास अब जो कार्गो है, 16 कंटेनर का शिप है और इसमें 6 कंटेनर पेप्सी के हैं और 2 कंटेनर कार्गो डाबर का है और 8 कंटेनर इफ्को का यूरिया है। तो ये सारा कार्गो कलकत्ता के लिए बाउंड है और कलकत्ता से फिर उधर रीडिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। डाबर के वेयर हाउस में जाएगा, इफ्को के वेयर हाउस में जाएगा और पेप्सी के वेयर हाउस में जाएगा। सर, अभी आगे का जो शेड्यूल होगा कि आगे आने वाले दौर में कितने शिप्स हम लोग को आने को देखने को मिल सकते हैं और अब आगे इसके बाद कौन सा शिप और कौन सी ड्यूरेशन में आने वाला है? यही वेसल है, ये अभी शेड्यूल सर्विस में चलेगा तो उम्मीद है कि इधर से 6 से 7 दिन लगेंगे तो ये 23-24 को वहाँ पहुँच जाएगा। 26-27 की वहाँ से वापस रवाना होने का अभी प्लानिंग है और उधर से जो कार्गो अभी और बाकी कार्गो जो कंपनी जो जुड़ रही है तो उसमें एक उदार पेपर प्रोडक्ट्स हैं, फिर वर्जन पेंट्स हैं, फिर पेप्सी तो है ही, पेप्सी के साथ में ऑल्सो अदर FMCG है, कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट के साथ FMCG प्रोडक्ट्स में बेहतर बढ़ोतरी के साथ अलग अलग तरीके के व्यापार के ऑप्शन वाराणसी में खुल चुके हैं और अब एक कंसाइनमेंट जाने के बाद इंतजार है अगले कंसाइनमेंट का। अनुमा द्विवेदी, ETV वाराणसी।